नमस्कार, द स्टेट सेंट्रल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। कोविड के कारण जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो कुल जिनकी डेथ हुई थी वो पूरी अगर देखा जाए तो 4176 लोग थे जिनके कोविड के कारण डेथ हो चुकी थी। और ये देखा जा रहा था कि सरकार की तरफ से, क्योंकि पहले अनाउंसमेंट की गई थी कि जो मारे जाने की खबर आई है या जो मर चुके हैं कोविड के कारण, उनके जो परिजन हैं उनको कुछ ना कुछ जो है वो सहायता राशि जो है वो दी जाएगी, उन्हें मुहैया करवाई जाएगी। कल की बात की जाए तो एक उच्च स्तरीय बैठक की गई जिनमें खुद जो अरुण मेहता है, जिनके बाद अरुण मेहता है, उन्होंने एक मीटिंग की जिनमें काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद थे, बड़े बड़े जो अफसर थे वो मौजूद थे। और उनमें ये डिसाइड किया गया इस उच्च स्तरीय मीटिंग में कि जितने भी कोविड के कारण लोग मारे गए हैं उन्हें 50,000 रुपये जो है वो मुहैया करवाए जाएँ। और इसके लिए बात की गई है कि 35 करोड़ की जो है वो सहायता राशि फिलहाल रिलीज करने की बात की जा रही है जो डिस्ट्रिक्ट को दी जाएगी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की जो कमेटी रहेगी वो उन लोगों की जो फाइलें हैं जिनकी डेथ हुई है उनकी जांच करेगी, और पूरा जब जो देखा जाएगा कि जिनका अकाउंट बना हुआ होगा और उसके साथ आधार कार्ड लिंक होना चाहिए और उसकी पूरी जाँच पड़ताल की जाएगी। और उसके बाद जो है डायरेक्ट अकाउंट में ही जिनकी डेथ हुई होगी कोविड के कारण उनके जो परिजन होंगे उनको 50,000 रुपये जो है सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। एक देखा जाए तो ये उतनी बड़ी राशि नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है कि कुछ ना कुछ जो है वो लोगों को ज़रूर एक एक्सग्रेशिया जो है वो मुहैया करवाया जाए। ये कल एक मीटिंग हुई थी, उच्च स्तरीय मीटिंग जो है वो की गई थी जिसमें फैसला मुख्य सचिव जो है डॉक्टर अरुण कुमार मेहता उनकी अध्यक्षता में की गई। और इसमें देखा गया कि आपदा प्रबंधन की जो राज्य स्तरीय टीमें हैं वो वहां पर मौजूद थी। कोविड प्रबंधन की बात की जाए तो फंड रिलीज करने की ये समीक्षा की गई थी। और इसमें अगर देखा जाए तो वित्त, गृह और आपदा प्रबंधन के प्रशासनिक सचिव जो हैं वो भी मौजूद रहे हैं। और उच्च स्तरीय मीटिंग थी और अभी ये देखा जा रहा है कि 35 करोड़ रुपये फिलहाल जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हें रिलीज किया जाएगा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को। और ये देखा जाएगा कि 35 करोड़ जो है वो लोगों जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है वो वितरित किया जाएगा। और उसके बाद जिनकी भी फाइलें जो हैं जिन लोगों की डेथ हो चुकी है वो उनको कलेक्ट करेंगे, उसकी वेरिफिकेशन होगी। और उन सभी जो वेरिफिकेशन के बाद जो है जो क्लैरिटी हो जाएगी तो उसके बाद ही उनके अकाउंट में जो 50,000 रुपये जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और अभी तक अगर देखा जाए जो लिस्ट है जिन लोगों की डेथ हो चुकी है, जो सरकार के पास जो आंकड़ा है उनमें 4176 लोग हैं जिनकी कोविड के कारण डेथ हुई है। और देखा जाएगा कि कितनी जल्दी जो है फंड ट्रांसफ़र होता है। और ये भी देखा जा रहा है कि और भी कुछ जो है सरकार इसको लेकर नए जो है वो प्रबंध कर रही है ताकि लोगों को ज़्यादा दिक्कतें जो है वो देखने को नहीं मिले। इसके लिए अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो हर ज़िले में एक कमेटी भी गठित कर दी गई है जो देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर जो है वो कोविड के कारण लोगों की डेथ हुई और उनके परिजनों से बात की जाएगी, उनका डाटा कलेक्ट किया जाएगा, अकाउंट के साथ आधार लिंक होना चाहिए और डायरेक्ट जो है वो सरकार की तरफ से उनके अकाउंट में 50,000 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये कल एक मीटिंग हुई और जल्द ही इस मीटिंग के बाद अब देखा जा रहा है कि जो 35 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया है वो रिलीज किया जाएगा और लोगों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।